नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोहित पुनेठा और इंडिया न्यूज़ के डिजिटल चैनल इन खबर में आप सभी का स्वागत है। कृष्ण जन्म तो आप सभी को याद होगा, किस तरह से किन परिस्थितियों में हुआ था कृष्ण जन्म। उस रात ज़बरदस्त बरसात हो रही थी और वासुदेव श्री कृष्ण को अपने सिर पर टोकरी में रखकर यमुना को पार कराकर श्री कृष्ण की ज़िंदगी बचाई थी कंस से। वो तब की बात थी, लेकिन अब वडोदरा में ही एक ऐसा मामला सामने आया है और एक जो तस्वीर है वो वायरल हो रही है। और उस तस्वीर में एक शख्स बहुत गहरे पानी में लगभग गर्दन तक डूबा हुआ है और अपने सिर पर टब रखकर उस पर एक छोटी सी बच्ची को उस पानी को पार करा रहा है। और इस तस्वीर के वायरल होने के बाद अब इसे कहा जा रहा है कि आज के युग का वासुदेव है। दरअसल हुआ क्या था, पूरा इसके पीछे की कहानी क्या है, वो मैं आपको समझाता हूँ। दरअसल इस वक्त हम जानते हैं कि देश के कई हिस्से ऐसे हैं जहाँ पर ज़बरदस्त बाढ़ आई हुई है और बाढ़ ने लोगों का जीना किस कदर मुहाल किया है, जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी है कितनी मुश्किल होती जा रही है इस बाढ़ के चलते। इसकी तस्वीरें हम आपको लगातार दिखाते ही रहते हैं, बिहार हो, पंजाब हो, गुजरात हो, गुजरात के कई इलाकों में ज़बरदस्त इस वक्त बाढ़ है, बिहार में कई लोगों की जान बाढ़ अब तक ले चुकी है। लेकिन जो वाकया ये हुआ है जिसका मैं जिक्र कर रहा हूँ, ये गुजरात में सामने आया है। गुजरात में भी इस वक्त ज़बरदस्त बरसात हो रही है और इस बरसात ने लोगों की ज़िंदगी को बिल्कुल बर्बाद कर दिया, तबाह कर दिया है। और सबसे ज़्यादा इसका असर अभी गुजरात में अगर कहीं देखने को मिल रहा है तो वो गुजरात के वडोदरा शहर में देखने को मिल रहा है। वडोदरा में ज़बरदस्त बाढ़ है और इस बाढ़ का असर इतना है कि लोग अपने घरों में कैद होकर रह गए हैं। गुजरात में वडोदरा में ही एक जगह है देवपुरा, जहां पर ये पूरा वाकया सामने आया है। ये बहुत विश्वामित्र रेलवे स्टेशन है, उससे बहुत पास में ये जगह है देवपुरा जिसके मैं बात कर रहा हूँ। यहाँ पर बारिश का पानी इस कदर बढ़ गया वहाँ पर कि लोगों की गर्दन तक पानी आ गया था। लोग अपने घरों में कैद होकर रह गए थे और उसके बाद NDRF की टीमें, SDRF की टीमें और जो लोकल पुलिस है वो लगातार लोगों को रेस्क्यू करने में जुटे हुए थे। इसी बीच पुलिस को खबर मिली कि जो देवपुरा इलाका है वहाँ पर करीब 70 परिवार ऐसे हैं जो कि बाढ़ में इस कदर फंसे हुए हैं कि न तो वो घरों से बाहर निकल सकते हैं और पानी धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। अगर उन तक मदद नहीं पहुँची तो गंभीर परिणाम उसके हो सकते हैं, लोगों की जान भी जा सकती है। इसके बाद फौरन एक रेस्क्यू टीम बनाई गई जो लोकल पुलिस स्टेशन है, और उस टीम का जो जिम्मा है वो उस पुलिस स्टेशन के सब इंस्पेक्टर जी के चावड़ा को दिया गया। तो वो अपनी टीम लेकर पहुंचे मौके पर और बड़ी मुश्किल से पानी को चीरते हुए, सारी बाधाओं को पार करते हुए उन परिवारों तक पहुंचे जहां पर ये परिवार फंसे हुए थे। करीब 70 लोग थे जो कि उस वक्त फंसे हुए थे। इन्हीं 70 लोगों में ये एक छोटी सी बच्ची, एक महीने की बहुत छोटी सी बच्ची थी, वो भी वहाँ पर फंसी हुई थी। अब घर वालों को समझ में नहीं आ रहा था, माता पिता को, कि इस बच्ची का रेस्क्यू कैसे करें। खुद तो किसी तरह से डूब कर निकल जाएंगे, लेकिन एक छोटी सी बच्ची है, अगर ज़रा सी ठोकर लग जाती है तो पानी इतना था कि उसको फिर बचाया नहीं जा सकता। इस दौरान लोग बहुत ज़्यादा डर रहे थे, तो इंस्पेक्टर जो सब इंस्पेक्टर हैं जी के चावड़ा, वो इस वक्त एकदम वासुदेव बनकर आए। उन्होंने सारा जिम्मा खुद के ऊपर लिया और एक छोटे से टब का इंतजाम करने के लिए कहा। घर वालों ने फटाफट एक टब का इंतजाम किया और उस टब में जैसे वासुदेव ने श्री कृष्ण को रखा था, वैसे ही जी के चावड़ा ने उस छोटी सी बच्ची को एक कंबल में लपेटा, उसको कपड़े में लपेटा और उसको टब में रखने के बाद उसे अपने सिर पर उठाकर उन्होंने पूरा जो रास्ता है उसको पार कराया। इस दौरान जो तस्वीरें सामने आ रही थी वो ये बता रही थी कि वहाँ पर गर्दन तक पानी भरा हुआ था और रिस्क इस बात का था कि जो पास का इलाका है, वडोदरा के पास का जो इलाका है, वहाँ पर विश्वामित्र नदी बहती है और उस विश्वामित्र नदी में तकरीबन 200 मगरमच्छ हैं और वो उनमें से कई जो मगरमच्छ थे वो इस बाढ़ के पानी में बहकर इस इलाके में आ गए थे। तो दोहरा खतरा था, एक चैलेंज तो ये था कि इस बच्ची को किस तरह से बचाया जाए, उसका इंतजाम तो उन्होंने कर लिया, लेकिन अगर मगरमच्छ रास्ते में मिल जाए, हमला कर दे, तो फिर इसको कैसे बचाया जाए। लेकिन उन्होंने इन सब परिस्थितियों को दरकिनार करते हुए आगे बढ़ने का फैसला लिया और सब इंस्पेक्टर जी के चावड़ा की जो ये मेहनत है, जो जज्बा है, वो रंग लेकर आया और इस गहरे पानी को चीरते हुए वो न सिर्फ इस बच्ची को बल्कि इसके पूरे परिवार को और उनकी टीम के सहयोग से वहाँ पर जो सभी 70 लोग थे, उन सभी 70 लोगों का रेस्क्यू करने में वो कामयाब रहे। और अब उनकी जो तस्वीर है वो बहुत तेज़ी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है और इस वायरल तस्वीर में उनको आज के वासुदेव की संज्ञा दी जा रही है। तो यहाँ सिर्फ कहना मेरा ये है कि मुश्किल परिस्थितियाँ थी, बहुत मुश्किल हालात वहाँ पर थे, लेकिन एक बार ठान लिया उन्होंने कि नहीं, इन हालातों से मुझे निपटना है और इन परिवारों को, इन बच्ची को बचाना है, तो वो बचा कर ले आए। तो सीख यही है कि अगर आप मन में कुछ ठान लें तो मुश्किल कुछ भी नहीं है। नमस्कार। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।